उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्य डीजीपी ओपी सिंह ने एक बयान जारी किया है। धारा 144 पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट, धरना, रैली पूर्ण रूप से प्रदेश में वर्जित है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज 19 तारीख को अपना समाजवादी कार्यालय आरडीसी ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं एसपी गाजियाबाद ने क्षेत्र मेट्रो के रेलवे स्टेशन पर निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई। एसपी सुधीर कुमार सिंह की मौजूदगी में गाजियाबाद क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन पर निगरानी ड्रोन कैमरे से रखी गई। सर, आज आप लोग गश्त पर निकले हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, क्या है? देखिए, आज सपा का धरना प्रदर्शन था और ये प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन था जो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर गाजियाबाद में किया गया और ज्ञापन दिया गया। आज हम एडीएम साहब और एसपी सिटी साहब, क्योंकि दिल्ली में पड़ोस में कुछ लोगों को जाने का था, तो आज हम लोगों ने दिल्ली के जो बॉर्डर की जो सीमाएं हैं उन्हें चेक किया, मेट्रो स्टेशन चेक किए और अपने, क्योंकि कल जुमे की नमाज भी है, लोगों में सुरक्षा बहाल रहे, लोगों को समझाया गया, आज पैदल मार्च भी किया गया, लोगों को सुरक्षा उनका भाव उनमें रहे इसलिए पैदल मार्च आज किया गया। ड्रोन उड़ाकर भी देखा गया है ताकि छतों पर कोई ईंट पत्थर अगर हो तो उनका पता चले, कोई सामग्री जमा हो तो उनका पता चले, और एंटी सोशल एलिमेंट अगर कुछ करना चाहते तो उनके बारे में भी जानकारी रहे। सर, डीजीपी साहब का भी आदेश था कि धारा 144 ले हुए किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ कलेक्ट्रेट के आगे भी कुछ लोगों ने किया। देखिए, आज कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, उन्होंने अपने जो उनका कार्यालय था, जिले का जो कार्यालय था, वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर ही उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जो धारा 144 को तोड़ता।